गोरखनाथ मंदिर में हमले को लेकर संभल में एटीएस ने एक घर में दबिश दी है। घर को खंगालने के बाद एटीएस की टीम वापस लौट आई। बताया जा रहा है कि गोरखनाथ मंदिर पर हमला करने के मुर्तजा अब्बासी के संभल के एक शख्स से संपर्क होने की जानकारी पर एटीएस संभल पहुंची। पूरे मामले पर स्थानीय पुलिस बोलने को तैयार नहीं है। वह इस खबर पर ज्यादा बात करने के लिए मेरे साथ संभल से संवाददाता अरुण जुड़ चुके हैं। अरुण, क्या कुछ पूरा मामला है उसके बारे में विस्तृत रूप से बताइए। देखिए, बता दूं आपको, पिछले दिनों गोरखनगर मंदिर में जिस तरह का हमला हुआ था और हमले के बाद जिस तरह से मुख्य आरोपी मुर्तजा अब्बासी को गिरफ्तार किया गया, उसके बाद से देश भर में जगह जगह एटीएस की छापेमारी शुरू हो गई है। वहीं यूपी के 7 जिलों में आज छापेमारी हुई है, जहाँ संभल भी इसमें शामिल है। संभल में एटीएस की टीम यहाँ पहुंची और यहाँ मुर्तजा अब्बासी के संपर्क में एक शख्स की जो जानकारी एटीएस को मिली थी, उसकी तर्ज पर एटीएस ने यहाँ छापेमारी और सदर कोतवाली क्षेत्र के नियत राय में एक घर में आने की एटीएस ने दबी थी। लेकिन एटीएस को वहां खाली हाथ लौटना पड़ा, क्योंकि जिस शख्स की तलाश में एटीएस यहाँ पहुंची थी वो शख्स एटीएस को नहीं दिया, जिसके बाद एटीएस की टीम यहाँ से खाली लौटी है। आपको बता दें, कहीं ना कहीं संभल में जिस तरह से मामला मुर्तजा अब्बासी पकड़ा गया है, उसके बाद जिस तरह से एटीएस सक्रिय हुई है, तो कहीं ना कहीं संभल में उसके तार जुड़े होने की बात पर एटीएस ने यह छापेमारी की है। आपको भी ये भी बता दूं कि संभल कहीं ना कहीं एटीएस और एनआईए के निशाने पर हमेशा से रहा है, जहां लगातार एनआईए और एटीएस यहां संभल में हमेशा सक्रिय रही है। जब कभी भी देश में कभी भी कोई आतंकी घटना सामने आई है, तो कहीं ना कहीं एटीएस की नजर और एनआईए की नजर संभल पर रही है। हालांकि एटीएस को यहाँ पर कोई सफलता तो नहीं मिली है, लेकिन स्थानीय प्रशासन का भी यहाँ कहना है कि एटीएस ने यहाँ छापेमारी की है, गोपनीय तरीके से छापेमारी की है। पुलिस प्रशासन को इस मामले को ध्यान के नहीं चाहिए, लेकिन हाँ, पुलिस ने इस मामले में स्वीकार जरूर किया है कि एटीएस की यहाँ टीम यहाँ आई थी, लेकिन एटीएस को क्या हाथ मिला, क्या चीजें नहीं मिल पाई है, इस मामले में प्रशासन ने स्पष्ट मना किया है। जी अरुण, आगे क्या कुछ कार्रवाई यहाँ पर की जाएगी? देखिए मतलब, जिस तरह से यहाँ एटीएस ने कल छापेमारी की थी, तो उसके बाद में यहाँ हड़कंप मचा हुआ है। खुफिया विभाग पूरी तरह सक्रिय हो गया है और लगातार छानबीन में लगा हुआ है कि आखिर एटीएस यहाँ पर आई थी, तो एटीएस ने क्या जो कार्रवाई की थी। भले ही एटीएस के फिलहाल हाथ कुछ नहीं लगा हो, लेकिन जिस तरह से मुर्तजा अब्बासी के संपर्क में जो लोग हैं उनको लगातार खंगाला जा रहा है, क्योंकि खुफिया विभाग लगातार उनको खंगाल रहा है। वहीं आप यूपी के 7 अलग हिस्सों में जिलों में जहाँ एटीएस छापेमारी की है, काफी कुछ नोएडा में भी कुछ लोगों को, संदिग्ध लोगों को यहाँ पुलिस एटीएस ने गिरफ्तार किया, तो कहीं संभल से भी इसके ताज हुआ होने की बात सामने आ रही, तो उसी के चलते यहाँ छापेमारी की गई है। लेकिन भले ही अभी एटीएस को कोई चीज हाथ नहीं लगी, लेकिन फिर भी एटीएस के निशाने पर रडार पर संभल अभी भी है, और यहाँ कहीं ना कहीं एटीएस ने जिस तरह से कल यहाँ छापेमारी की थी, उसके बाद उम्मीद लगाई जा रही है कि एटीएस अभी यहाँ पर और अभी यहाँ आएगी, तो कहीं ना कहीं संभल एटीएस के निशाने पर अभी भी है। जी, मुर्तजा अब्बासी के संभल में जिस शख्स से यहाँ पर बातचीत बताई जा रही है, उनके बारे में क्या कुछ सामने आया अभी? देखिए दादा, मुर्तजा अब्बासी संपर्क में संभल के जिस शख्स की बात सामने आ रही है, हालांकि एटीएस के उसके दबिश दिन आई थी, लेकिन एटीएस को भले ही वो नहीं मिल पाया हो, लेकिन कहीं ना कहीं उस शख्स के जो जिसकी छापेमारी में यहाँ पर दबिश दिन एटीएस यहाँ आई थी, तो कहीं ना कहीं उसके तार मुर्तजा अब्बासी से जुड़े होने की जो एटीएस को जानकारी मिली थी, और उसी के तर्ज पर एटीएस ने छापेमारी की है। लेकिन अभी तक इस मामले में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाई कि एटीएस जिस शख्स की तलाश में यहाँ पर आई है वो शख्स आखिर कौन है, तो इस मामले में स्थानीय पुलिस प्रशासन को भी जानकारी नहीं मिल पाई है, जिस वजह से अभी हम इस मामले में कुछ नहीं कह सकते। जी अरुण, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।